अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं तो ठीक हूँ। सैरिश ठीक है? पता नहीं शौकत, शहनाज ने उसकी सास से क्या कुछ कहा है, जब से वो यहाँ से गई है बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा हो गई। नहीं भाई, भाई जी, शहनाज ने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बिला वजह कुछ तो कहा है, क्योंकि वो सैरिश से बहुत खफा है और उसे हमारे घर आने भी नहीं दे रहे। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि क्या मामला है, लेकिन तुम शहनाज को समझाने की कोशिश करो। बेटियों के मामला बहुत नाजुक होते हैं, अगर तुम लोगों की कोई बेटी नहीं है दूसरों की बेटियों को ही अपनी बेटी समझो। जी भाई जी, मैं समझा दूंगा शहनाज को, आप फिक्र ना करें। मैंने तुम्हें कहा था कि जरा अपने आप पे काबू रखना। पता नहीं उन लोगों ने सैरिश के साथ क्या सलूक किया कि उसको मैं की भी नहीं जाने दे रहे। भाई जी बहुत परेशान है। वो उसको इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि सनम के करतूत उनको पता ना चल जाए। बस बस कर दो, खुदा के वास्ते अपनी जबान बंद रखो, मेरा मसला ना खड़ा हो जाए। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उस लड़की के साथ क्या। बस अब तुमने कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना सैरिश और उसके ससुराल वालों को हम एक दावत पे बुला लें, ताकि मिले एक दूसरे से, सबके दिल की रंजिशें खत्म हो। कोई जरूरत नहीं। देखा नहीं आपने क्या किया उसने मेरे बेटे के साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दिए और आप खाने पे बुला रहे। यार अब बात को खत्म करने की कोशिश करो ना, बहुत हो गई। अब मैं सैरिश को फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रही अपना, खुदा खैर करे। इस खूबसूरत घर में मेरी हम सफर बनोगी? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। So what? और जिस तरीके से तुम मैरिड हो इससे बेहतर है कि तुम विडो हो जाओ। तुम अपने दिल से पूछो क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? नहीं ना। अरे तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सनम, तुम दोनों जो जिंदगी गुजार रहे हो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। लीजिए खुर्रम साहब, आप यहां साइन कर दीजिए। मिस्टर खुर्रम और मिस्टर सलमान, आप लोगों का हर काम साऊ साहब की इजाजत के बगैर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स पर साऊ साहब के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। अंकल, बहुत मुबारक हो बेटा। ले जी, मुबारक हो आपको। आज के बाद आप